ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये हरे कृष्ण। तो कल हमने छठा अध्याय शुरू किया था पूतना का वध। तो हमने देखा कि कंस पहले पूतना को बेचते हैं कृष्ण को मारने के लिए, और पूतना का रिकॉर्ड था कि उसने बहुत सारे बच्चों को मारा था बहुत कुंका तरीके से। तो ये पूतना आती है वृंदावन में, कैसे आती है, वेश बदल के। हालांकि इतना क्रूर डाकिन है, एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में आती है, और इतना सुंदर रहती है वृंदावन के लोगों को लगता है कि स्वयं लक्ष्मी जी आई है, क्योंकि हाथ में कमल लेके आती है जैसे लक्ष्मी जी लेके आती है। तो इस तरह से पूतना को डायरेक्ट एंट्री मिलता है नंद महाराज के घर में और कृष्ण के बेडरूम में जहाँ पे कृष्ण थे वहाँ पे एंट्री मिलता है। यशोदा भी पूतना को रोकती नहीं है, पर जब पूतना कृष्ण को देखती है उसको समझ में आता है कि ये साधारण बच्चा नहीं है, क्योंकि पूतना ने बहुत सारे बच्चों को मारा है पर ये बच्चा साधारण नहीं है, कृष्ण को देख के ही समझ गई। और हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद समझाते हैं ये कृष्ण की महानता है, छोटे से शिशु हैं फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो भगवान कभी भगवान बनते नहीं हैं, हमेशा भगवान रहते हैं। तो कृष्ण जब छोटे हैं या नवयुवक हैं हमेशा भगवान हैं। तो आगे जाके हमने देखा कि कृष्ण जब पूतना को देखते हैं तो क्या करते हैं, कृष्ण अपना आंख बंद करते हैं। तो हमने देखा कि अलग अलग आचार्य अलग अलग कारण बताते हैं कृष्ण आंख बंद क्यों करते हैं। तो एक आचार्य बताते हैं कि कृष्ण आंख बंद करते हैं क्योंकि वो पूतना को देखना नहीं चाहते, ये जो स्त्री है इतने सारे मासूम बच्चों को उसने मारा है तो इसलिए कृष्ण आंख बंद करते हैं, मुझे इसका चेहरा देखना नहीं है। और एक आचार्य बताते हैं कि कृष्ण आंख क्यों बंद करते हैं क्योंकि पूतना को ऑलरेडी भय लग रहा था कृष्ण को देख के, और जब कृष्ण के आंखों में देख रही थी उसको कृष्ण का तेज दिख रहा था, भगवान का तेज, तो इसलिए कृष्ण आंख बंद करते हैं ताकि पूतना को और भय न लगे, सो दैट शी शुड नॉट बी मोर स्कैर्ड। और एक कारण है जिसकी वजह से कृष्ण आंख बंद करते हैं, क्योंकि भगवान का अवतार होता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो कृष्ण आते हैं भक्तों को बचाने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों को मारने के लिए। और कृष्ण सोच रहे हैं मुझे असुर को मारना है, उसके लिए मेरा अवतार हुआ है, और पहला असुर स्त्री निकली, तो इसलिए कृष्ण आंख बंद करते हैं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार हमने देखा कि स्त्रियों को बच्चों को ब्राह्मणों को गायों को मारा नहीं जाता। पर कृष्ण सोच रहे हैं मुझे इससे ही शुरू करना है मेरा लीला, तो इसलिए कृष्ण आंख बंद करते हैं। एंड फाइनली फाइनल रीज़न है कृष्ण आंख क्यों बंद करते हैं, क्योंकि कृष्ण सोच रहे हैं कि ये पूतना
मुझे मारने के लिए आई है, पर माँ का भाव लेके आई है, माँ का भाव, मुझे पिलाने के लिए आई है, विष पिलाने के लिए आई है, पर एटलीस्ट कुछ तो पिला रही है, भावग्राही जनार्दना। तो कृष्ण क्या करते हैं, भाव को स्वीकार करते हैं। तो कृष्ण सोच रहे हैं पूतना मेरी माँ आई है, जैसे माँ आती है बच्चा उसको पूरा विश्वास रहता है माँ पे, आंख बंद कर लेता है, तो कृष्ण आंख बंद कर लेते हैं ताकि उसकी जो माँ है अभी पूतना उनको विष पिलाए। देर आर 7 काइंड ऑफ मदर्स अकॉर्डिंग टू वैदिक इंजंक्शन। तो शास्त्र बताते हैं हर एक व्यक्ति के 7 माताएं हैं। द रियल मदर, स्वयं की माँ जो हमको जन्म देती है, द वाइफ ऑफ अ टीचर और स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु पत्नी, गुरु या जो टीचर है शिक्षक है उनकी पत्नी, द वाइफ ऑफ अ किंग, राजा की पत्नी, जैसे भारत में भी प्रेसिडेंट का जो, प्रेसिडेंट की जो वाइफ है उनको भी सम्मान मिलता है, तो उसको बोलते हैं द वाइफ ऑफ अ किंग, जो रानी है उसको माँ का दर्जा है, द वाइफ ऑफ अ ब्राह्मणा, ब्राह्मण की पत्नी, गाय, धात्री, माँ जन्म देती है पर कोई स्त्री होती है जो हमको नर्स के रूप में पालन पोषण करती है, इसको बोलते हैं धात्री नर्स, एंड मदर अर्थ भूमि देवी। तो 7 मदर्स, स्वयं की माँ, गुरु पत्नी जो रानी है, ब्राह्मण की पत्नी, गाय, धात्री और भूमि देवी। बिकॉज पूतना केम टू टेक कृष्णा ऑन आवर लैप एंड ऑफर अवर ब्रेस्ट मिल्क टू बी सक्ड बाय हिम, शी वॉज एक्सेप्टेड बाई कृष्णा एज वन ऑफ हिज मदर्स। क्योंकि पूतना एक धात्री के रूप में आती है कृष्ण को पिलाने के लिए, तो इसलिए कृष्ण उनको माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। दैट इज कंसिडर्ड टू बी अनदर रीजन ही क्लोज्ड हिज आईज, ही हैड टू किल अ नर्स और मदर। तो ये और एक कारण है क्योंकि कृष्ण सोच रहे हैं मुझे मारना है इस व्यक्ति को जो मेरे माँ के रूप में आई है, धात्री के रूप में। बट हिज किलिंग ऑफ हिज मदर और नर्स वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम हिज लव फॉर हिज रियल मदर और फॉस्टर मदर यशोदा। पर क्योंकि कृष्ण दिव्य हैं, कृष्ण जब भक्तों के प्रति रक्षा करते हैं और असुरों को मारते हैं, उसमें भी कृष्ण का प्रेम है असुरों को मारते हुए, तो कृष्ण यशोदा से एक आदान प्रदान करते हैं, उनकी एक माँ, और ये जो पूतना है और एक धात्री के रूप में आई है, कृष्ण उसको मारने वाले हैं, पर मार के क्या करते हैं, कृष्ण आध्यात्मिक जगत में धात्री का स्थान देते हैं, लिबरेटेड, पूरे तरह से मुक्त हो जाती है पूतना। वी फर्दर अंडरस्टैंड फ्रॉम वैदिक इन्फॉर्मेशन दैट पूतना वॉज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ मदर एंड गिवन द सेम फैसिलिटी एज यशोदा। तो यहाँ पे कृष्ण मारते हैं और आध्यात्मिक जगत में बेचते हैं, और वहाँ पे परमानेंटली पूतना एक माँ के रूप में रहती है। एज यशोदा वॉज गिवन लिबरेशन फ्रॉम मटीरियल वर्ल्ड, सो पूतना वॉज ऑल्सो गिवन लिबरेशन। तो जैसे यशोदा को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है, वैसे ही पूतना को भी होती है। When the baby Krishna closed his eyes, Putana took him on her lap. तो कृष्ण इस तरह से आंख बंद करते हैं और पूतना क्या करती है, कृष्ण को अपने गोद में लेती है। She did not know that she was holding death personified. तो पूतना को पता नहीं था कि ये स्वयं मृत्यु है, इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं कालोस्मि भरत श्रभ मृत्यु सर्व हरश्चहम। तो कृष्ण बोलते हैं मैं मृत्यु हूँ, तो इसलिए अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, हर एक व्यक्ति को भगवान दर्शन देंगे किसके रूप में, मृत्यु के रूप में। तो कृष्ण यशोदा के गोद में है पर यशोदा के लिए उनके पुत्र हैं, वही कृष्ण जब पूतना के गोद में जाते हैं तो पूतना के लिए मृत्यु बनते हैं। ये यतामा प्रपद्यन्ते। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं जैसे हम भगवान का शरण लेते हैं वैसे कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसे आगे जाके वर्णन आएगा यही कृष्णा बुक में, जब कृष्ण मथुरा जाते हैं, अक्रूर जी आके कृष्ण को मथुरा लेके जाते हैं, और कृष्ण वो रेसलिंग अरेना, वो जो मल्ल क्रीड़ा है कंस ने जो अरेंज किया था, उसके अंदर कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति वही कृष्ण को देख रहा है
पर अलग अलग भाव से देख रहा है। गोपियां देख रहे हैं कि सबसे सुंदर लड़का कृष्ण, गोप देख रहे हैं कि मेरे दोस्त, और जब कंस देखता है वही कृष्ण को, क्या देखता है, मेरा मृत्यु। तो कृष्ण अभी पूतना के गोद में है और पूतना को यह पता नहीं ये उनकी मृत्यु का कारण बनने वाला है। शी डिड नॉट नो दैट शी वॉज होल्डिंग डेथ पर्सनिफाइड। इफ अ पर्सन मिस्टेक्स अ स्नेक फॉर अ रोप ही डाइज। जैसे व्यक्ति एक सांप है पर सांप को रस्सी पकड़ के खींचता है तो वो सांप काट के मर जाएगा। सिमिलरली पूतना किल्ड सो मेनी बेबीज बिफोर मीटिंग कृष्णा, बट नाउ शी वॉज एक्सेप्टिंग द स्नेक दैट वुड किल हर इमिजिएटली। तो पूतना को लगा इतने सारे बच्चों को मैंने मारा है तो इसको भी मैं मारूंगा। तो हर एक व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। बहुत बार वो सफल होगा अपने बुरे कार्य में बट फाइनल रिजल्ट उसको निश्चित मिलता है। पर पूतना को ये पता नहीं था ये साधारण बच्चा नहीं है, उसके मृत्यु का कारण है। When Putana was taking baby Krishna on her lap, both Yashoda and Rohini were present, but they did not forbid her because she was so beautifully dressed and because she showed motherly affection towards Krishna. तो पूतना ने ऐसा माया चाल चलाया था कि यशोदा और रोहिणी के सामने, ऐसा नहीं कि चुप चुप के, यशोदा और रोहिणी के सामने कृष्ण को गोद में लेके स्तनपान करा रही है, पर यशोदा भी नहीं रोकी, रोहिणी भी नहीं रोकी, क्योंकि इनको लग रहा था कि इतने सुंदर स्त्री है और कृष्ण को इतने ममता से उठा रही है। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट शी वॉज अ स्वॉर्ड विदिन अ डेकोरेटेड केस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा एक तलवार होता है, तलवार किस में होता है, एक केस में होता है, तो कितना शार्प तलवार वो दिखता नहीं है। तो वैसे ही माया पूतना, उसका अंदर का भाव क्या था, बहुत क्रूर एक डाकिन थी, पर कवरिंग क्या था, बहुत सुंदर। तो वैसे ही माया अलग अलग रूप में आती है, बाहर से बहुत सुंदर लगेगी पर अंदर से बहुत क्रूर इंटेंशन है। तो इसलिए ये बहुत सुंदर उदाहरण है। शी वॉज अ स्वॉर्ड विथिन अ डेकोरेटेड केस। पूतना हैड स्मियर्ड अ वेरी पावरफुल पॉइजन ऑन हर ब्रेस्ट एंड इमिजिएटली आफ्टर टेकिंग द बेबी ऑन हर लैप शी पुश्ड हर ब्रेस्टली निपल विथिन हिज माउथ। तो पूतना ने उनके स्तन पे बहुत एक खतरनाक विष भर के आई थी, हाँ, और ये जो स्तनपान कृष्ण को कराती है, शी वॉज होपिंग दैट एज सून एज ही वुड सक हर ब्रेस्ट ही वुड डाई। तो पूतना को इतना कॉन्फिडेंस था ये विष को कोई थोड़ा भी चखेगा तुरंत मर जाएगा। बट बेबी कृष्णा वेरी क्विकली टुक द निप्पल इन एंगर। बट कृष्ण क्या करते हैं, चूसते हैं, ऐसा छोटा बच्चा माँ का दूध पीता है, ऐसा कृष्ण पीता है। ही सक द मिल्क पॉइजन अलॉन्ग विद द लाइफ एयर ऑफ द डीमन। तो कृष्ण विष भी पी लेते हैं और विष के साथ साथ पूतना का प्राण भी खींच लेते हैं। इन अदर वर्ड्स कृष्णा साइमल्टेनियसली सक्ड मिल्क फ्रॉम हर ब्रेस्ट एंड किल्ड हर बाय सकिंग आउट हर लाइफ। तो पूतना आई थी विष देने के लिए, कृष्ण विष भी पी लेते हैं, पूतना का दूध भी पी लेते हैं और पूतना का प्राण भी ले लेते हैं, पूरे तरह से आत्मनिवेदन। वो जाती है थोड़ा देने के लिए पर कृष्ण पूरा ले लेते हैं। तो वैसे कृष्ण बहुत डेंजरस है कि नहीं, थोड़ा एक उंगली देने के लिए आते हैं लोग कृष्ण के पास पर कृष्ण पूरा ले लेते हैं। तो एक स्टेप से एक स्टेप कृष्ण पूरा ले लेते हैं। जैसे बलि महाराज को वामन देव के रूप में जाते हैं भगवान और बलि को बोलते हैं तीन पद जमीन दे दो बस उसमें संतुष्ट, पर कृष्ण संतुष्ट नहीं होते हैं, तीन पद क्या सब कुछ ले लेते हैं कृष्ण, है कि नहीं। तो ऐसे ही कृष्ण और कृष्ण के भक्त बहुत चतुर हैं, आते हैं सुई की तरह पर निकलते हैं हाथी की तरह, सब लेके निकलेंगे। तो कृष्ण पूतना का सब कुछ ले लेते हैं, प्राण भी ले लेते हैं। ही फुलफिल्ड हर डिजायर एंड एक्सेप्टेड हर एक्टिविटी एज मदरली। तो कृष्ण उनका इच्छा पूरा करते हैं। उनका इच्छा क्या था, मुझे कृष्ण को पिलाना है विष, ठीक है विष पी लिया,
विष भी पी लिया और उसको भी समाप्त कर दिया. बट टू स्टॉप हर फ्रॉम फर्दर नेफेरियस एक्टिविटीज ही इमिडिएटली किल्ड हर. तो कृष्ण पुतना को क्यों मारते हैं? ताकि और ज़्यादा बच्चों को न मारे. तो इसलिए जो ऐसा गलत कार्य करते हैं उनको दंड देना भी इम्पॉर्टेंट है. इसलिए कृष्ण का आने का कारण क्या है? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम. जो दुष्कृति लोग हैं उनको मारने की भी आवश्यकता है. तो ये क्षत्रिय का धर्म है. और क्षत्रिय कौन है? कृष्ण के प्रतिनिधि हैं. उनका ये धर्म है बुरे लोगों का दमन करना, दुष्ट दमन. एंड बिकॉज द डीमन वॉज किल्ड बाई कृष्णा शी गॉट लिबरेशन. और क्योंकि कृष्ण उसको मारते हैं उसका उद्धार. देखिए कृष्ण एक ही लीला में क्या क्या नहीं करते. पुतना का इच्छा भी पूरा हो जाता है, विष पी लेते हैं, उनका दूध पी लेते हैं. तो माँ के रूप में जो भाव लेके आई थी उसको कृष्ण स्वीकार करते हैं और उसको मार देते हैं. क्योंकि इतना सारा पाप किया उसने और आगे जाके पाप करेगी, इसलिए कृष्ण उसको मार देते हैं. पर क्योंकि कृष्ण उसको मारते हैं उसको सीधा भगवत धाम की प्राप्ति, डायरेक्ट लिबरेशन. दैट इज़ वाई कृष्णा इज ऑल गुड. भगवान जिसके ज़िंदगी में आते हैं उसका कल्याण ही करते हैं, भक्तों का भी कल्याण करते हैं और जो असुरों को कृष्ण मारते हैं उनका भी कल्याण ही होता है. When Krishna sucked out her very breath, Putana fell down on the ground, spread her arms and legs and began to cry. तो पूतना कौन सा रूप लेके गई थी? एक सुंदर स्त्री का रूप लेके गई थी. पर जब कृष्ण उनका प्राण खींचने लगते हैं पूतना विशाल रूप धारण करती है, वापस उसका ओरिजिनल रूप आ जाता है. तो ये जो दिखावा है थोड़ी देर तक चल सकता है, जो मूल रूप है वो आ जाता है. तो पुतना अपना हाथ पैर फैला के रो रही है, ओ चाइल्ड लीव मी लीव मी. तो पुतना बोल रही है बच्चे छोड़ दो मुझे. पर हमको पता है कि कृष्ण किसी को पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं. कृष्ण को पकड़ना आता है, छोड़ना आता नहीं है. तो पुतना ये जान के ये रिसर्च नहीं किया था कृष्ण के बारे में. उसने अलग अलग बच्चों को मार रही थी पर कृष्ण के बारे में ये रिसर्च नहीं किया था कि कृष्ण एक बार पकड़ लेते हैं किसी को उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं. जैसे नरसिंहदेव आते हैं हिरण्यकश्यप को मार देते हैं. तो हमारे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में एक फ़ोटो रहता है. हमारे एक हॉस्पिटल है बॉम्बे में, तो वो सर्जरी रूम में एक फ़ोटो है नरसिंहदेव का. तो वहाँ का पेशेंट पूछता है डॉक्टर को ये क्या है फ़ोटो है. तो बोलता है ये हमारा ओरिजिनल ऑपरेशन है, फर्स्ट ऑपरेशन. तो पेशेंट पूछता है उसका रिजल्ट क्या हुआ. बोलता है ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट लिबरेटेड. ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और जो पेशेंट है उसको सीधा मुक्ति. तो भगवान के दरबार में जो आता है उसका सीधा कल्याण ही होता है. तो पुतना आई थी थोड़ा करके जाऊंगी, पर उसको पता नहीं कि कृष्ण छोड़ने वाले नहीं है. She was crying loudly and perspiring and her whole body became wet. तो पुतना रो रही है. हमें इतने शक्तिशाली ये डाकिन है पर कृष्ण ने क्या कर दिया देखो. और कृष्ण का साइज भी नहीं बढ़ रहा है, इतने छोटे से कृष्ण, इसका पूरा हालत खराब. रो रही है, उसके शरीर से पसीना छूट रहा है, पूरा गीला हो गई वो. एंड शी डाइड स्क्रीमिंग. देर वॉज अ ट्रेमेंडस वाइब्रेशन बोथ ऑन द अर्थ एंड इन द स्काई इन ऑल डायरेक्शंस एंड पीपल थॉट दैट थंडरबोल्ट्स वर फॉलिंग. तो पूतना इतना जोर से चिल्लाती है कि आसमान धरती कांपने लगता है और लोगों को लगता है कि यू नो भूकंप आ रहा है, बिजली नीचे जमीन पे गिर रहे हैं. एंड थस द नाइटमेयर ऑफ द पूतना विच वॉज ओवर एंड शी अज्यूम्ड हर रियल फीचर एज अ ग्रेट डीमन. तो पूतना का रूप चला गया, सुंदर रूप, और पूतना वो ओरिजिनल राक्षसी वाला रूप लेके आती है. शी ओपन्ड हर फियर्स माउथ एंड स्प्रेड हर आर्म्स एंड लेग्स ऑल ओवर. तो पूतना अपना मुंह खोल के हाथ और पैर फैलाती है. शी फेल एग्जैक्टली एज वृत्रासुर व्हेन स्ट्रक बाय द थंडरबोल्ट ऑफ इंद्र. तो जैसे ये अलग कहानी है भागवतम में,
वृत्रासुर और इंद्र की। वृत्रासुर चित्रकेतु महाराज है जो आगे जाके वृत्रासुर बनते हैं, पर इतने विशाल राक्षस थे ये, तो इंद्र बहुत कोशिश करके फाइनली मार देता है। और वृत्रासुर जब गिरते हैं हजारों पेड़ों को उखाड़ के गिरते हैं, इतना विशाल शरीर था। तो पूतना का तुलना वृत्रासुर से हो रहा है। द लॉन्ग हेयर ऑन हर हेड वॉज स्कैटर्ड ऑल ओवर द बॉडी। जो जब पूतना गिरती है उसके शरीर के जितने भी बाल है सब बिखर गए। हर फॉलन बॉडी एक्सटेंडेड अप टू 12 माइल्स एंड स्मैश्ड ऑल द ट्रीज टू पीसेस एंड एवरीवन वाज स्ट्रक विद वंडर अपॉन सीइंग द जाइगेंटिक बॉडी। तो पूतना का साइज कितना था, 12 मील लंबा। आई थी एक सुंदर स्त्री के रूप में, अभी जा रही है इतना विशाल शरीर लेके। और जब गिरती है नंद महाराज के घर से बाहर जाके, तो कृष्ण भी बहुत बुद्धिमान है, कृष्ण को लगता है जो भी गड़बड़ होना है इधर नहीं, तो इसको ले के जाते हैं पूतना को, भाग भाग के जाती है। और वृंदावन के आउटस्कर्ट में, वृंदावन के बाहर कंस का फेवरेट एक बगीचा था, तो कृष्ण उधर लेके जाता है इसको, और वो बगीचे पे गिर के मर जाती है। और 12 मील जो भी पेड़ था सब चले गए, सबका समाधि हो गया एक साथ सब पेड़ों का। तो जाते जाते कृष्ण, मतलब पूतना के हाथों कृष्ण एक सेवा भी करा के लेते हैं, कंस के सब गार्डन सब पेड़ तोड़ के चली जाती है। हाँ, तो 12 मील लंबा। तो जब लोग देखते हैं पूतना का इतना विशाल शरीर, एवरीवन इज शॉक्ड। आई थी एक रूप में, अभी गई है दूसरे एक रूप में। हर टीथ अपीयर्ड जस्ट लाइक प्लाउड रोड्स। उसके दांत लग रहे थे कि हाईवे है, इतने बड़े बड़े दांत हैं। एंड द नॉस्ट्रल अपीयर्स लाइक माउंटेन केव्स। उनका जो नॉस्ट्रल्स था, नासिका था, ऐसा लग रहा था बहुत बड़े बड़े गुफें हैं। हर ब्रेस्ट अपीयर्ड लाइक स्मॉल हिल्स। उनका स्तन था, उनको ऐसा लग रहा था कि पहाड़ है छोटे छोटे। एंड हेयर वॉज वास्ट रेडिश बुश। और उनके बाल ऐसे लग रहे थे कि लाल कलर के जो जंगली वृक्ष होता ना, लता होता है ऐसा। हर आई सॉकेट्स अपीयर्ड लाइक ब्लाइंड वेल्स। उनके आंख ऐसा लग रहा था कि कुआं है। एंड टू थाइज अपीयर्ड लाइक टू बैंक्स ऑफ अ रिवर। और उनके जांघें ऐसा लग रही थी नदी का तट है। और टू हैंड्स अपीयर्ड लाइक टू स्ट्रांगली कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस। हाथ ऐसा लग रहा था ब्रिज है, मंडोवी ब्रिज ऐसा उनका हाथ लग रहा था। एंड एन एब्डोमेन सीम लाइक अ ड्राइड अप लेक। और उनका पेट क्योंकि अंदर चला गया था, ऐसा लग रहा था एक तालाब है, सूखा हुआ तालाब। ऑल द कवर्ड मेन एंड वुमेन बिकेम स्ट्रक विथ ऑ एंड वंडर अपॉन सीइंग दिस। तो ये देख के जितने भी वृंदावन के ग्वाल बाल हैं और जो स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, वो सब देख के आश्चर्य हो गए। एंड द टमल्टस साउंड ऑफ हर फॉलिंग शॉक देयर ब्रेन्स एंड ईयर्स एंड मेड देयर हार्ट्स बीट स्ट्रांगली। तो ऐसा स्टाइल से गिरी पूतना, इतना आवाज के साथ, सब लोग डर गए, विस्मय में आ गए और उनके कान भी फट गए, इतना जोर का आवाज था। When the gopis saw little Krishna fearlessly playing on Putana's lap, they very quickly came and picked him up. पर कृष्ण कहाँ पे है? इतने बड़ी पूतना गिरी है, पूतना के ऊपर कृष्ण लीला कर रहे हैं, आराम से मजा ले रहे हैं। और कृष्ण का मतलब पूतना का शरीर कितना बड़ा है, 12 मील लंबा, और कृष्ण कितने हैं छोटे, एक शिशु हैं, उस पर चल रहे हैं। तो तुरंत गोपियाँ पूतना के शरीर के ऊपर चढ़ते हैं और कृष्ण को लेके आते हैं। मदर यशोदा, रोहिणी एंड अदर एल्डरली गोपीज इमिजिएटली परफॉर्म द ऑस्पिशियस रिचुअल्स बाई टेकिंग द टेल ऑफ अ काउ एंड सर्कुलेटिंग हिज बॉडी। तो तुरंत गोपियाँ क्या करती हैं, रीति रिवाज करते हैं कि कृष्ण को हानि नहीं होना चाहिए। हाँ, तो क्या करते हैं, गाय का पूंछ लेके कृष्ण के ऊपर घुमाते हैं। तो देखिए गाय कितनी महान है, कृष्ण को भी शुद्ध करती है। एंड द चाइल्ड वॉज कंप्लीटली वॉश्ड विद द यूरिन ऑफ कौ। कृष्ण का स्नान कराते हैं, कैसे, गोमूत्र से। पहले गाय के पूंछ से घुमाते हैं, ऐसे तांत्रिक होता ना, भूत निकालने के लिए घुमाते हैं, वैसा घुमाते हैं, कृष्ण के सर पे मारते हैं गाय का पूंछ, और गोमूत्र से नहलाते हैं कृष्ण को।
and the dust created by the hooves of the cows was thrown all over his body. ऐसा अभिषेक के बाद भगवान का अभिषेक होता है, उसके बाद क्या करते हैं, चंदन का यू नो या हल्दी का जो पाउडर है रंगोली भगवान पे डालते हैं. तो ऐसे कृष्ण का स्नान कराते हैं गोमूत्र से, और उसके बाद गोधूली गाय के पैर से निकला हुआ धूली वो कृष्ण के ऊपर डालते हैं. दिस वॉज जस्ट टू सेव लिटिल चाइल्ड कृष्णा फ्रॉम इनऑस्पिशियस एक्सीडेंट्स. तो ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि कृष्ण के जिंदगी में और ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, पर कृष्ण की जिंदगी में ये सब घटना होता रहता है. पर उनका ये भाव है, ब्रजवासियों का माँ ये सब गोपियाँ हैं, कृष्ण के माँ हैं, उनका ये भाव है कि कृष्ण को ये सब बुरा घटना नहीं होना चाहिए. तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर लिख रहे हैं, दिस इंसिडेंट गिव्स अस अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ हाउ इम्पॉर्टेंट द काउ इज टू द फैमिली सोसाइटी एंड टू लिविंग बींग्स इन जनरल. तो इसे बहुत क्लियरली दिखता है गाय कितना महत्वपूर्ण है परिवार के लिए, समाज के लिए, और हर एक व्यक्ति के जिंदगी के जिंदगी में कुशल मंगल रहे उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट. तो गाय की कृपा से कृष्ण भी सुरक्षित रहते हैं, तो मनुष्यों को क्या बोलना. द ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ कृष्णा डिड नॉट रिक्वायर एनी प्रोटेक्शन बट टू इंस्ट्रक्ट अस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द काउ. The Lord was smeared over with cow dung, washed with the urine of a cow, and sprinkled with the dust upraised by the walking of cows. तो कृष्ण को ये सब की जरूरत नहीं था, पर ये लीला क्यों होता है, ताकि कृष्ण ये लीला से हमको दिखाना चाहते हैं कि गाय का कितना महत्व है, कि उनकी स्वयं की रक्षा करने के लिए, भगवान की रक्षा करने के लिए उनको स्नान किया गया गोमूत्र से, गोबर से, और गोधूली उन पे छिड़का गया. तो ये गाय का महत्व है. तो इस तरह से अगर हम हमारे ज़िंदगी में भी गायों की सेवा करेंगे यथाशक्ति जितना हो सकता है वो उसके अनुसार गायों से गायों की सेवा करेंगे, गायों का आशीर्वाद लेंगे, तो निश्चित रूप से जितने भी अपशकुन हैं, जितने भी गलत कार्य हैं, जितने भी पीड़ा हो रहा है वो सब निकल सकता है. तो इसका आगे का जो वर्णन है वो हम कल शाम को कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्णा.